नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सेंट्रल न्यूज। मैं हूं वर्षा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर शहरी नक्सलियों के साथ खड़े होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बम बंदूक से नहीं बल्कि लोकतंत्र से ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मोदी ने बस्तर संभाग के भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नक्सलवाद की आड़ लेकर राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी उन्हें बंदूक थमा दिया। उन्होंने कहा कि जो स्कूल में आग लगाए, अस्पताल को नुकसान पहुंचाए, विकास में बाधा उत्पन्न करे, ऐसे लोग राक्षसी कृति के कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर शहरी नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में उनके साथ खड़ा होने का आरोप लगाते हुए कहा कि वातानुकूलित घरों में बड़े शहरों में शानदार जीवन जीने वाले ऐसे लोग वहाँ बैठे बैठे रिमोट से आदिवासी बच्चों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने जब ऐसे लोगों पर कार्रवाई शुरू की तो कांग्रेस के लोग समर्थन में खड़े हो गए और बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि यहां आकर नक्सलवाद के विरोध की बातें करते हैं और वहां समर्थन में खड़े होते हैं। और इसी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी की दर 2 साल के उच्चतम स्तर पर चले जाने संबंधी खबर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि मोदी ने सूट बूट वाले दोस्तों को फायदा पहुंचाया और युवाओं के सपनों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, 2014 ठग विदा, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ मैं 2 करोड़ रोजगार दिलाऊंगा, 2016 ठग विदा, नोटबंदी में मेरा साथ दो मैं काला धन वापस लाऊंगा, 2018 असलियत सूट बूट वाले दोस्तों को राफेल में उड़ाऊंगा, नौजवानों के सपने मिट्टी में मिलाऊंगा। दरअसल थिंक टैंकर सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस साल अक्टूबर में देश में बेरोजगारी की दर 6.9% पहुंच गई, जो पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा है। श्रमिक भागीदारी भी घटकर 42.4% पर पहुंच गया है, जो जनवरी 2016 के आंकड़ों से भी नीचे है। भारत का कहना है कि IED यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस के इस्तेमाल के कारण खतरों का सामना कर रहे संयुक्त राष्ट्र के शांति संरक्षण मिशनों और शिविर के सुरक्षा बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए IED निरोधक दस्ते की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के भारत के स्थायी मिशन के सैन्य सलाहकार कर्नल संदीप कपूर ने कहा कि शांति संरक्षण कर्मियों पर पिछले 4 वर्षों में हुई इन घातक हमलों के एक विश्लेषण के अनुसार कम से कम उनमें से 1/4 IED हमलों के कारण हुई है। उन्होंने कहा IED को निष्कर्ष करने के लिए वैसे तो तमाम कदम उठाए गए हैं, लेकिन हमें लगता है कि ऐसे खतरों से निपटने के लिए एक प्रतिबद्ध IED निरोधक दस्ते की जरूरत है। परिसर में सुरक्षा ढांचे का मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि सुरक्षा शिविरों पर होने वाले सीधे हमलों में हताहतों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। मिजोरम के मुख्य निर्वाचक अधिकारी SB शशांक को हटाने की मांग से पैदा हुए संकट को हल करने के लिए राज्य की राजधानी में चुनाव आयोग के चुनाव उपायुक्त सुदीप जैन की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल पर लोगों की नजर टिकी हुई है। मिजोरम चुनाव के लिए प्रभारी जैन एजल जाएंगे और राज्य के गैर सरकारी संगठनों, समन्वय समिति प्रमुख, सिविल सोसाइटी और छात्र निकायों के एक समूह के साथ महत्वपूर्ण विचार विमर्श करने की संभावना है। मिजो NGO समन्वय समिति की मांग है कि शशांक को हटाया जाए और उन्हें राज्य से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। वैश्विक बाजार में दोनों कीमती धातुओं की चमक फीकी पड़ने के बीच दिवाली के बाद त्योहारी मांग की सुस्ती से दिल्ली सराफा बाजार में सोना 360 रुपए लुढ़क कर 2 सप्ताह से अधिक के निचले स्तर 32,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इस दौरान सिक्का निर्माताओं की मांग कमजोर पड़ने और औद्योगिक की मांग घटने से चांदी भी 900 रुपए का गोता लगाती हुई 5 सप्ताह से अधिक के नीचे स्तर 38,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए सुनते रहिए रेडियो सेंट्रल न्यूज़। धन्यवाद।